नमस्कार दोस्तों, हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना, कोई रोड पर ना निकले, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल रात्रि 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, अतुलनीय कदम उठाया। 21 दिन का नेशनल लॉकडाउन, क्या जरूरत पड़ी इस नेशनल लॉकडाउन की, क्यों लगाना पड़ा ये नेशनल लॉकडाउन? केवल और केवल उन चंद लोगों के लिए जिन्हें इतना समझाने के बाद भी कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, कृपया बाहर ना निकलें, नहीं माने, बाहर निकलते गए। वह चाहते ही नहीं कि ये प्रकृति आगे बढ़े, ये दुनिया इसी तरह से फलती फूलती रहे। हालांकि यह बहुत ही कड़ा कदम है, लेकिन जो कुछ मिथ है उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेशनल लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ आवश्यक सेवाएं इससे एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि राशन की दुकान, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर्स, बैंक्स इत्यादि रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, पेट्रोल पंप, वह इस लॉकडाउन से बाहर हैं। तो पैनिक नहीं करें, हर चीज आपको मिलेगी। एकत्रित एक साथ ना होए, समय समय पर जाकर जितने अपनी आवश्यकता है उतना सामान दुकान से लें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें। अगर हमने इन 21 दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई तो इटली का जो हाल हुआ है वही हाल हमारे देश का भी होगा, और उससे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि वहाँ की चिकित्सा सुविधाएं पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है और हमारी चिकित्सा सुविधाएं इतनी मजबूत नहीं हैं। हम 21 दिन में 21 साल पीछे चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हमारा देश जो इतना प्यारा है, अच्छा है, चंद लोगों की वजह से बहुत पीछे चला जाए। कृपया इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। एक और बात, चूंकि हम लोग एक एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अनुष्का ग्रुप ने यूट्यूब, डेली मोशन, टिकटॉक पर बहुत सारे विभिन्न विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के वीडियो अपलोड किए हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यह समय ऐसा है जहां पर आप अपने घर में बैठकर अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। महीने भर के अंदर अगर हम लोगों ने इसका सदुपयोग कर लिया तो हमारा देश पीछे नहीं और आगे ही आगे जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आपसे अंत में वापस एक बार गुजारिश, कृपया बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और अपने अपने परिवार, अपने देश को बचाने में सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।